इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो आपको कितना पढ़ना चाहिए, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो कितना आपको पढ़ना चाहिए, और एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको लिखना है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो या एमए कर रहे हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने एग्जामिनेशन टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बीए का। तो एग्जामिनेशन आपका 20 जून से स्टार्ट हो रहा है और 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर और जो मास्टर्स जो है एमकॉम एमए का, उसका अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है, उसका भी टाइम टेबल जून के लास्ट वीक से पहले जो है आ जाएगा और मैं अपडेट कर दूंगा। तो टाइम टेबल का जो पीडीएफ है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो आपको कितना पढ़ना चाहिए, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो कितना आपको पढ़ना चाहिए, और एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको लिखना है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो या एमए कर रहे हो। सबका थ्योरी पेपर्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर जो होता है थोड़ा दो, कॉमर्स में एक दो पेपर होता है प्रैक्टिकल्स, बाकी तो सारे बीए में थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है। तो कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पढ़ाई कर रहे हो बीकॉम या बीए या एमकॉम या एमए, तो उसमें पास होने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आपको जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला, लाइक दो बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी है, आप आराम से पास हो जाओगे अगर आप एक दो दिन भी पढ़ के जाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप आइडियल से पढ़ रहे हो मतलब आप मेहनत कहीं पे ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, आप उतने मेच्योर्ड हो, ठीक है, आप ऑलरेडी जो है कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपके पास उतना ऑलरेडी इनफ टाइम नहीं है फिर कर रहे हो, मतलब आपके पास उतना दिमाग है कि आप एक दो दिन पढ़ाई करके भी इजिली पास हो सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो पास होने का जो फॉर्मूला है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। पहला जो है 50% सिलेबस। तो सर 50% सिलेबस क्या है? अरे डोंट वरी, रुको, सब बताऊंगा मैं, ठीक है, और विद प्रूफ के साथ बताऊंगा, और आप ये चीज अप्लाई कीजिएगा आपके पेपर में एंड 101% आप जो है पास हो गए, ठीक है। दूसरा जो है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तीसरा जो है पेपर पैटर्न। तो ये जो तीसरा वाला है ना, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जो सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न आया है, सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न मतलब चॉइस बेस्ड सेमेस्टर पैटर्न होता है, जो आइडियल में 2020 एजुकेशन पॉलिसी जब चेंज हुआ उसके बाद ही आया है। तो फिर अब जो है सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से अपने पास पेपर पैटर्न नहीं है। सर आइडियल पहले एनुअल लेता था, तो एनुअल में पेपर पैटर्न आपको मिल जाएगा लेकिन सेमेस्टर पैटर्न में नहीं मिलेगा, आप कोई भी बुक खरीद लो, ठीक है। तो सेमेस्टर पैटर्न नहीं है तो उसके लिए भी क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस 50%। अब 50% सिलेबस मतलब क्या है, अब देख लीजिए। अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट, 50% सिलेबस का अगर हम लोग देखें तो अब देखिए ये मैंने जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहां पे लिया है। आपको अलग अलग मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये क्या लिया मैंने, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का लिया है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक के ऊपर बेस है। अब इसमें टोटल कितने यूनिट है, 1, 2, 3, 4। अब इसका 50% कितना होगा, या तो फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, ये 50% हो गया, ठीक है, या फिर आप थर्ड फोर्थ कर रहे हो तो ये क्या हो गया, 50% हो गया। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो है इसमें आपने फर्स्ट कर लिया, ये थर्ड कर लिया, तो ये क्या हो गया, 50% आपका सिलेबस हो गया। तो आपको जो इजी लगता है, मान लीजिए आपने पहला वाला नहीं किया, ठीक है, अगर आपने पहला वाला नहीं किया फर्स्ट वाला, आपने सेकेंड वाला कर लिया है, आपने थर्ड वाला कर लिया है, तो ये भी क्या है, 50% सिलेबस है। तो आप जो है अपने हिसाब से 50% सिलेबस लिख कीजिए, ठीक है। अच्छा ये देखो, सिर्फ इतना पता नहीं चल रहा है ना इसके अंदर क्या, मतलब बाकी के जो टॉपिक इसके अंदर क्या रहेंगे, तो आपके बुक में जो है ना ये भी आपको दिया रहेगा मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बुक में ये चीज प्रोवाइड किया गया है। तो ये वाला जो आपने देखा ना, ये आपको चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज सिर्फ बता दिया है, लेकिन ये वाला उसके जस्ट नीचे आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा जिसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा था सेकेंड वाला आपने कीजिए, ठीक है, तो सेकेंड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, अब थर्ड में कौन से टॉपिक है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो सर अगर आप 50% कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। आप कोई भी हो, आप जैसे मान लीजिए यहां पे मैं दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स का हो, ठीक है,
अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लेते हो तो दूसरे सब्जेक्ट्स, आप जैसे मान लीजिए ये मैंने जो है आई गेस टीवाई बीए का मैंने लिया है, ये बीए का हिस्ट्री का कोई तो टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं, ये टोटल यहाँ पे जो है टोटल 11 चैप्टर्स हैं, मतलब 11 यूनिट हम लोग को ऐसा दिख रहा है या 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इस 11 चैप्टर में से आपको कितना चैप्टर सेलेक्ट करना है, 5 चैप्टर सेलेक्ट करना है, कितना चैप्टर्स, 5। अब ये 11 में से कोई भी आपको जो इजी लगता है, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन आपको इजी लगता है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको जो इजी लगता है, जैसे सोवियत यूनियन का आपको अच्छा लग रहा है तो सोवियत यूनियन का कर लीजिए, ठीक है। वैसे सोवियत यूनियन बहुत अच्छा है, अगर आप इसका हिस्ट्री पढ़ोगे तो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक्स, जैसे आपको ये फर्स्ट वाला इजी लग रहा है तो आपको फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपने लिया तो 3 चैप्टर हो गया, बाकी एक चैप्टर कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे यूएस का एज अ डोमिनेंट वर्ल्ड पावर आपने 5 चैप्टर ले लिया है, मतलब आपके पेपर में आपने 50% कर लिया, आपने 50% कंप्लीट कर लिया। अब इन टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर डिटेल में जो लिखे रहेंगे, आप यहां पे अगर आप देखोगे, ओके आप देखो ये जो है टीवाई बी ए का सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री था, मतलब जो हम लोग देख रहे थे ये टीवाई बी ए सेमेस्टर 5 का है। अब देखिये यहां पे, वहां पे जो है चैप्टर वाइज दिया है, यहां पे अगर आप देखोगे, अगर चैप्टर वाइज यहां पे जो है आपको चैप्टर वाइज दिया है, ठीक है, इसमें से आपने 50% सेलेक्ट करना है। अगर आप यूनिट वाइज दिया तो काफी अपना काम आसान हो जाता है। देखो पहला मॉड्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये 4 मॉड्यूल्स है। आप 4 मॉड्यूल में से आप कोई भी क्या करोगे, 2 मॉड्यूल सेलेक्ट करोगे। तो मान लीजिए आपने ये 4th मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया है और ये 1st मॉड्यूल आपने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब आपका 50% कंप्लीट हो गया। बाद में अगर 2nd या 3rd मॉड्यूल से आप हिस्ट्री का आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी सोवियत यूनियन के बारे में सर्च करोगे या बाकी यूरोपियन यूनियन के बारे में, बहुत सारा आपको डिटेल में एक वीडियोस मिल जाएगा जिसमें आप एक जनरलाइज आंसर आप खुद से लिख सकते हो। बाकी आपको फोकस किससे करना है, 2 यूनिट पे करना है, ठीक है। आप भी कोई भी स्टूडेंट है, अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और 1-2 एग्जाम्पल लेता ताकि आपको इजिली और समझे, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे जो है देखो एक टॉपिक और ले लिया मैंने, ये एमकॉम का शायद या एमए का, आई एम नॉट श्योर, एग्जाम्पल समझाने के लिए 50% सिलेबस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 4 टॉपिक है। अब मान लीजिए आपने कोई 2 टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि 2 टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब 50% सिलेबस ले लिया। अब उसके बाद जो है, अब देखिए ये एमए का लिया मैंने, एमए का ज्योग्राफी का लिया मैंने, तो अब यहाँ पे 4th, पहला यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट। अब इसमें से जो आपको ईजी लगता है 2 यूनिट आप सिलेक्ट कर लो, अच्छे से जो है पढ़ाई कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ मैप का भी शायद इसमें प्रोजेक्ट्स रहता है, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप इजीली जो है क्या कर सकते हो, 2 यूनिट कोई अच्छे से कर लोगे तो उसमें जो है आपका आराम से जो है 50% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो 50% सिलेबस वाला कहानी है ना वो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, ओके। तो ये जो 50% सिलेबस वाला स्टोरी है, ये आपको 50% स्टोरी वाला सिलेबस समझ में आ गया, तो ये पहला आपका फॉर्मूला है। क्या करोगे सर, कितना पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि 50% पढ़ना है, वो भी कैसे सिलेक्ट करना है आपको जो इजी लगता है। 4 यूनिट दिया रहेगा या कहीं कहीं पे 5 यूनिट रहेगा, तो आप 3 कर लीजिए या 2 यूनिट कर लीजिए। अच्छा, उस 2 यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है, उस बुक के पीछे आप चैप्टर्स के देखो एक्सरसाइज हेडिंग पॉइंट दिया रहता है, तो आप उसको एक बार लिखो, डायरेक्टली पढ़ो मत, आप लिखो वो हेडिंग को, उसके अंदर देखो क्या क्या पॉइंट्स है, आप उसका डायग्राम निकालो। क्या निकालोगे, इसको बोलते माइंड मैपिंग। अगर आप माइंड मैपिंग करोगे ना तो आपको उस पर्टिकुलर चीज का डायग्राम, देखो ये मैंने भी डायग्राम जो बनाया ये भी एक माइंड मैपिंग टाइप का डायग्राम है, उस टॉपिक का माइंड मैप बनाओ कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, भले कुछ नहीं पढ़ा पहले माइंड मैप बनाओ, इससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स है, क्या है, उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपका इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पेशली जो बीए के स्टूडेंट है उनको माइंड मैपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, करना चाहिए, क्योंकि उनका चैप्टर बहुत वास्ट होता है, लेंदी होता है, और एक चैप्टर नहीं होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट नहीं होता है उसके अंदर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी बीकॉम में क्या होता है, एमकॉम में कॉम नॉर्मल है, 4 सब्जेक्ट्स होंगे वो फिक्स होते हैं, 2 अकाउंट्स के रहेंगे, एक कॉमर्स का रहेगा, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, है ना, फिक्स रहता है। लेकिन बीए में ऐसा नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल लेके रखा है, कोई साइकोलॉजी लेके रखा है, कोई हिस्ट्री लेके रखा है ना, कोई लिटरेचर लिया है, लिटरेचर में भी हिंदी लिया है, मराठी लिया है, या फिर इंग्लिश लिया, अलग अलग टॉपिक्स लिया, राइट। तो आप जो है
कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो निकालो, उसके अंदर वो सिलेक्ट करो कि आपको मुझे ये पढ़ना मेरे लिए इजी है, और फिर उसके हिसाब से क्या करो आपका अपना स्टडी स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करो, माइंड मैपिंग से स्टार्ट करो। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। तो सर पेपर प्रेजेंटेशन करने का बेसिक रूल है, हमेशा याद रखो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने समझाया भी था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका इंट्रो होना चाहिए। आप इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, आप मीनिंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, मीनिंग लिख सकते हैं, या फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा इंट्रोडक्शन करके लिख सकते हैं। तो आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग लिखना है, मतलब डायग्राम। क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है। सर डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ये पास होन मैंने लिख दिया, पास होने का इसमें तीन फॉर्मूला, ये भी क्या हो गया, डायग्राम हो गया। सर दूसरा डायग्राम कैसे आप बना सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने फीचर्स लिख दिया, ठीक है, कोई टॉपिक है उसका फीचर्स लिख दिया, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ये एक टाइप का डायग्राम होता है। एक ऐसा टाइप का यहाँ पे आपने जैसे इंपॉर्टेंस लिख दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस अलग अलग पॉइंट्स ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से जो है सर्कल से आपने निकाल के बना दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एक डायग्राम पॉइंट्स का बनाइए। जब भी आप आंसर लिखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो क्या करो, पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कितने लाइन तक का, 5 से 8 लाइन के बीच में जो है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कितना, 5 to 8 लाइन्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और उतना होने, अगर आपको लग रहा नहीं है 8 लाइन्स, 5 लाइन्स लिख दे, दैट इज इनफ। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम आपका होना चाहिए कितने, आधे पेज से थोड़ा कम। ठीक है, और जब पेज थोड़ा सा नीचे बच जाएगा उसके बाद आप क्या करो, पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करो। क्या करो, पॉइंट का एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे, पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। जो आपने डायग्राम्स में पॉइंट लिखा ना, उसी पॉइंट को क्या करोगे आप, एक्सप्लेन करोगे यहां पे। राइट, एक बार एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन हो गया, लास्ट में क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। क्या लिखोगे, कंक्लूजन। सर कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में आपने जो मीनिंग में लिखा ना वही उठा के लिख दे तो भी चलेगा। ये एक फॉर्म होता है पेपर प्रेजेंटेशन का। आपने 50% पढ़ा, उस 50% से जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आपने लिखा। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा। जो प्रैक्टिकल है उसके लिए तो सेपरेट वीडियो आप देखो, प्रैक्टिकल में प्रोफॉर्मा आपको बनाना है, वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको वीडियो से तो ऑलरेडी पता चलेगा, अकाउंट्स के वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे। राइट, लेकिन जो थ्योरी पेपर्स होता है यही फॉर्म में आप रखो, क्योंकि मैं खुद आइडोल से एमकॉम का एग्जाम दिया था 2015 में। मेरा एमकॉम जो है 2016 एकेडमिक ईयर में कंप्लीट हुआ था, मैंने आइडोल से ही किया था, मैं यही यूज करता था। यकीन मानो, मैं मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहता था, एमएनसीज में मैं जॉब करता था, और सुबह लाइक रात में 2 बजे जॉब करके आने का, सो जाने का। सुबह में उठता था, रिवाइज मारता था, रिवाइज मारने के बाद क्या करता था, डायरेक्टली जो है 4 बजे या 3 बजे का कुछ शेड्यूल रहता था, पेपर रहता था 3 बजे के आसपास, जाता था पेपर देके फिर डायरेक्टली वो ऑफिस चला जाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना यूजफुल है। राइट, समझ में आया? ठीक है, अब लास्ट में बचता है पेपर पैटर्न। देखो बहुत सारे बुक्स में, लाइक आइडोल की जो बुक्स है अभी, उसमें FYBCOM, SYBCOM, TYBCOM, इसके लिए बहुत सारे जो है बीकॉम वाले जो सब्जेक्ट्स है उसमें पेपर पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन जो बीए के सब्जेक्ट्स में उसमें पेपर पैटर्न नहीं दिया है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड रहेंगे जो आप जिनको जानते रहेंगे कि रेगुलर कॉलेज में, तो रेगुलर कॉलेज का पेपर पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। बट याद रखना, अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो ऑटोनोमस कॉलेज का पेपर पैटर्न मत देखना। सर क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस का जो होता है वो 75-25 का होता है, 25 मार्क इंटरनल, 75 मार्क एक्सटर्नल, या तो फिर 60-40 का होता है, 60 मार्क्स इंटरनल एक्सटर्नल और 40 मार्क्स इंटरनल। जो ऑटोनोमस कॉलेज नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट का जो 100 मार्क का पेपर आता है वो आप चेक करना। ठीक है, बाकी जो एमकॉम और एमए वाले स्टूडेंट है वो आप ऑटोनोमस का या रेगुलर किसी का भी जो है कॉलेज का पेपर आप रेफर कर सकते हो, अगर आपको मिल रहा है पेपर पैटर्न। बाकी जो बुक में दिया है वो बुक में भी आप पेपर पैटर्न देख सकते हो। अच्छा, पेपर पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है, तो मैंने ना इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, और मेरे जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखना। मैंने पेपर पैटर्न का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि भाई क्या फॉर्मूला है। वेरी सिंपल,
सिलेबस को सिलेक्ट करो, सिलेबस में से कैसे पढ़ना है उसका माइंड मैप पूरा बनाओ और फिर पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसका पेपर प्रेजेंटेशन लिख के प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली रटाफाई मत करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, आप माइंड मैपिंग से उसको एक्सप्लेन करो ताकि आपका हैबिट रहे एग्जाम में लिखने का, ठीक है। आप 2 घंटा भी दिए तो भी क्या है, इनफ होता है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास और कोई टिप्स है तो कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि बाकी के स्टूडेंट लोग देख के भी जो है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।